और दोस्तों अपने देश में जहां पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, वहीं दूसरी ओर ये वरदान भी है। अब बात आती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहां से एडमिशन लें और कहां से ना लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साथ में ही डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शंस हैं। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पर कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, कब से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या है, साथ में यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देती हैं आपको डिस्काउंट जब आप एडमिशन लेते हैं। और ये भी बोला गया है, बहुत ही अच्छे विद्वान ने एक बात कही है, किसी भी सभ्यता में अगर उसको आगे बढ़ाना ही है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीनों फ्री होना चाहिए। दोस्तों किसी भी देश, किसी भी सभ्यता या समाज में जब तक एजुकेशन का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का नहीं होगा, तब तक उस समाज की तरक्की नहीं होती, क्योंकि समाज का पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं वो एजुकेशनल संस्थान, मतलब जहां से आप एजुकेशन लेते हो, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, फिर चाहे वो कोई भी स्कूल हो या कॉलेजेस हो। इसीलिए बहुत ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी देश, किसी भी समाज में, ताकि वहां से आप बहुत अच्छी एजुकेशन ले सके। और दोस्तों अपने देश में जहां पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, वहीं दूसरी ओर ये वरदान भी है। अब बात आती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहां से एडमिशन लें और कहां से ना लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साथ में ही डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के भी ऑप्शंस हैं। पिछली हमारी कई सारी वीडियोस में आपने जो कमेंट किए थे कि हम एक वीडियो बनाएं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पर, कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, कब से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या है, साथ में यूनिवर्सिटी कोर्सेज कौन कौन से करवाती है, और साथ ही इस यूनिवर्सिटी का स्टेटस हम UGC पर किस तरह से चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे थे हमारी पिछली वीडियोस में जाकर, उन सभी सवालों के आज जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश हमेशा रहती है और हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हम आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके किसी भी कोर्सेज को लेकर या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को लेकर, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बनाता है अलग अलग यूनिवर्सिटी कोर्सेज और कॉलेजेस पर। दोस्तों किसी भी सभ्यता के लिए अगर कुछ भी फ्री देना है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स चलती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देती हैं आपको डिस्काउंट जब आप एडमिशन लेते हैं, और ये भी बोला गया है, बहुत ही अच्छे विद्वान ने एक बात कही है, किसी भी सभ्यता में अगर उसको आगे बढ़ाना ही है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीनों फ्री होना चाहिए ताकि सभी को अच्छी तरह से इक्वालिटी मिल सके। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी आप इसको बोल सकते हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा। जिसकी हम बात करें तो फॉर्मर नेम जो पहले जिसका नाम था ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GEIT बोलते थे इसको, और जिसके अंदर की डीम टू बी यूनिवर्सिटी बाद में इसको बना दिया गया, उसके स्टेटस की भी अभी हम बात करेंगे। और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब है वो है RC जोशी, और जो इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है वो है कमल घनशाला। साथ में ही बात बताएंगे वाइस चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी के और कौन है इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब। उससे पहले आप ये समझिए कि इस यूनिवर्सिटी को UGC पर आप चेक कैसे करेंगे, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट सिर्फ एक ही बॉडी करती है और वो बॉडी है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अपने हिंदुस्तान में लगभग 1025 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के अलावा जो कॉलेजेस हैं, 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस चलते हैं हिंदुस्तान में, अलग अलग तरह के कोर्सेज सब चलते हैं। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 400 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं हिंदुस्तान में, और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटी 125 से भी ज्यादा है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 440 से भी ज्यादा है, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी 50 से भी ज्यादा है। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में अभी भी चल रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अलग अलग तरह की मान्यताएं और अलग तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटियों से, यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करें, विवेक से काम लें, सिर्फ एडवर्टीजमेंट के हवाले से एडमिशन कभी भी ना लें। आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है किसी तरह का, यह भी हो सकता है एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। जैसे और यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं UGC की साइट पर, वैसे ही ये यूनिवर्सिटीज भी लिस्टेड होती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनके एडवर्टीजमेंट्स को देख के, बहुत बड़े कैंपस को देखकर आप ये अनुमान बिल्कुल ना लगाएं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी बहुत अच्छी मिलती होगी। आपको यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट जरूर करना चाहिए। अब आप इस यूनिवर्सिटी का जो
स्टेटस चेक करेंगे यूजीसी पर, वो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप टाइप करेंगे www.ugc.ac.in। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में टैब्स जो बनकर आते हैं वहां पर यूनिवर्सिटीज का एक टैब आएगा। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज के टैब पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां लिखा आएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डीम्ड यूनिवर्सिटीज पर जाने के बाद में आप यहां पर उत्तराखंड में जाएंगे। उत्तराखंड में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहां पर जो उत्तराखंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनके सबके नाम मेंशन है। तो यहां पर टोटल 3 यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, तीनों के नाम मेंशन है। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मेंशन है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट बोलती है यूजीसी की वेबसाइट कि www.geu.ac.in। ये इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। देहरादून उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी स्थित है और यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। काफी डिटेल्स आप यूनिवर्सिटी की यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो वीसी साहब है, वाइस चांसलर, वो है प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। उनका फोन नंबर है, उनकी ईमेल आईडी मेंशन है। साथ में ही जो रजिस्ट्रार साहब हैं इस यूनिवर्सिटी के, वो है मिस्टर ओमकार नाथ पंडित। उनकी भी यहाँ पर मेल आईडी और यहाँ पर फोन नंबर डिटेल्स जो है वो मेंशन है। अब इस यूनिवर्सिटी की हम बात करें कि यूजीसी क्या बोलता है, कब यूनिवर्सिटी ये इस्टेब्लिश हुई है। पर मैं दोस्तों आपको एक बात और बता दूं इसी यूनिवर्सिटी के बारे में, आप एक और तरीके से भी चेक कर सकते हो। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूजीसी पर जाइए। जाने के बाद में जो टैब्स आते हैं यूनिवर्सिटीज जहां लिखा है वहां पर यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के टैब को आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं उत्तराखंड पे आप क्लिक कीजिए। उत्तराखंड के बाद में उत्तराखंड में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन सब की जिक्र यहाँ पे मेंशन है। मतलब कि टोटल 21 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो उत्तराखंड में चलती हैं। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी आती है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के लिए आप 5वें नंबर पर देखिए। और जब आप यहाँ यूजीसी की साइट पर आते हैं जहाँ पर टोटल यूनिवर्सिटीज जो मेंशन की हुई है यूजीसी ने, टोटल यूनिवर्सिटी बताता है प्राइवेट, 21 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो चलती है पूरे उत्तराखंड में। 5वें नंबर पर इसी यूनिवर्सिटी की बात करता है, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की। पर दोनों की वेबसाइट अलग अलग है दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट जरूर करें। यूनिवर्सिटी को विजिट करें, अगर आप दूर से हैं, दूसरे स्टेट से हैं, हॉस्टल को अच्छे से देखें, साथ में फैकल्टी मेंबर से मिलें जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा अगर आप उन स्टूडेंट से मिल पाए जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। फैकल्टी मेंबर से आपको जरूर मिलना चाहिए, प्लेसमेंट के बारे में आपको यूनिवर्सिटी से जरूर पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लुभावने से एडवर्टीजमेंट्स देखें और जाके एडमिशन ले लें, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और आसपास की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं नियर बाय की, जो सेम यूनिवर्सिटी की, जैसे ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है देहरादून में, तो ऐसे ही आसपास जो और यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी आपको कंपेयर जरूर कर लेना चाहिए, फीस को कंपेयर करना चाहिए। और अगर आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप करें, हम भी उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करें वीडियो में जाकर, हम आपकी इसमें मदद जरूर करेंगे। आप ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसको सेक्शन 2F में बनाया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, उसकी वेबसाइट है www.gehu.ac.in। और वहीं दूसरी ओर जब आप देखते हो डीम टू बी यूनिवर्सिटी की बात अगर करते हो इसी यूनिवर्सिटी की, जिसकी वेबसाइट अलग है थोड़ी सी, वेबसाइट आप अगर चेक करते हो तो वहां पर है www.geu.ac.in। दोनों में ही क्यों ये अंतर है, एक तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक तरफ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दोनों पर ही हम अलग अलग वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें एक में बताएंगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, अप्रूवल कौन कौन से है, और दूसरी ओर जो ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से अप्रूवल के साथ में चलती है यूनिवर्सिटी और कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। बट अभी अगर हम बात करें दोनों का ही स्टेटस अलग अलग इस यूनिवर्सिटी का दिखाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी दोस्तों चलती है उस यूनिवर्सिटी के पास, सिर्फ यूजीसी अगर हम बात करें या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात करें, सभी कोर्सेज, जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज होते हैं, या रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, रिसर्च जैसे कि पीएचडी, या फिर सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज सभी यूनिवर्सिटीज करवा पाती हैं। उसके लिए अलग से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज कौन है? बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे पहले जो सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज चलते थे, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, बाद में वो सब यूनिवर्सिटीज बन गए, वो सब डीम टू बी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिए गए। और यूनिवर्सिटी जब अलग से कोई कोर्स कराना चाहती है, जैसे कोर्सेज कैसे होते हैं, जैसे पीसीआई से अप्रूवल लेना होता है फार्मेसी का, अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो बीसीआई का अप्रूवल होना जरूरी है, आरसीआई का, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेते हैं अगर स्पेशल बीएड करवानी है, और एनसीटी का अप्रूवल लेते हैं अगर बीएड करवानी है, साथ में एआईसीटी का अप्रूवल लिया जाता है डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कराने के लिए। हालांकि यूनिवर्सिटीज को इस अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है, कॉलेजेस को ही अप्रूवल होती है इस कोर्स की।
साथ में नेक एक्रेडिटेशन की बात करें तो 5 साल के बाद नेक पूरी तरह से गुणवत्ता को चेक करने के बाद एक यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन होती है और वह नेक एक्रेडिटेशन होता है। मतलब कि उसमें आपने देखा होगा बहुत बार यूनिवर्सिटीज पे लिखा होता है कि A++ या फिर ए कैटेगरी मिलती है या B++ मिलता है। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इन सभी काउंसलिंग के ऊपर, नेक पर भी वीडियो बनाया है। नेक किस तरह काम करता है आप उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। और भी यूनिवर्सिटी अप्रूवल लेती है, जैसे कि नेक का अप्रूवल आ गया तो उसके बाद डैब का अप्रूवल आता है, डिस्टेंस एजुकेशन का। UGC के बिना तो यूनिवर्सिटी चल ही नहीं सकती। और AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं हिंदुस्तान में, वो सभी इस अप्रूवल को चेक करते हैं। तो आपका जो डाउट है कि डीम टू बी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज करवाती है और कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं इसमें रेगुलर, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे। और साथ में ही अगर आप कमेंट करेंगे और कमेंट आते हैं हमारे पास, तो हम पर्सनली इस यूनिवर्सिटी को विजिट बहुत जल्दी जरूर करेंगे, आपको बताएंगे कि दिल्ली से यूनिवर्सिटी आप कैसे पहुंच पाएंगे और यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। प्रॉस्पेक्टस मंगाने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी से 2022 का और 2023 का, कौन कौन से नए कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास अभी आ रहे हैं या फिर कौन से नए अप्रूवल्स आए हैं, उस पर भी हम वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का जो हमने वीडियो आपके लिए बनाया ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर कुछ यूं कहें ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको समझ आया होगा और आपने जाना होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं या अगली वीडियो किस यूनिवर्सिटी, किस कोर्स या किस टॉपिक पर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट जरूर करें। और कोई भी पर्सनली आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।